प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाओं को संचालित कर एक तरफ शौच मुक्त भारत बनाने में जुटी है, तो वहीं शौचालय के लिए छात्रों ने भोजन का ही बहिष्कार कर दिया है। विद्यालय में प्रतिदिन भोजन बनता है, लेकिन छात्रों के ना खाने की वजह से जानवरों को दे दिया जाता है। प्रयागराज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवी बांध कोराव का ये मामला है, जहां 5 दिन से बच्चों ने भूखे पेट रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों ने बच्चों की समस्या को सुनकर समाधान के आश्वासन देना जरूरी नहीं समझा। नन्हे बच्चे जिनको हर 1-2 घंटे में भूख लगती रहती है, उन्हें पूरे दिन भूखे रहना पड़ता है। वह सिर्फ अपने विद्यालय में अधिकार को पाने के लिए परेशान है। इस पूरी खबर के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से सौरभ सोनी जी। सौरभ सोनी जी, क्या है ये पूरा मामला? आप वहां मौके पर गए हैं, क्या कुछ है इसके बारे में? सर बिल्कुल बताना चाहता हूँ। कोराव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवी बांध का है, जहाँ छात्रों ने शौचालय के लिए अपने हक मांग के लिए उन्होंने मध्याह्न भोजन का बहिष्कार कर दिया है। जबकि आज लगभग 4-5 दिन हो गया है अपने मध्याह्न भोजन के लिए बहिष्कार कर दिया है। जी, तो कितने बच्चे हैं स्कूल में जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है या वो नहीं खा रहे हैं, उन्होंने बहिष्कार किया है, कितने अनुमानित कितने बच्चे हैं वो? जी बिल्कुल सर, बताना चाहिए लगभग 100 से अधिक है। वहाँ के प्रधानाचार्य अग्नि प्रकाश शर्मा ने गांव के प्रधान से कई बार शिकायत किया, लिखित हम होंगे, इसके अलावा जिम्मेदार अधिकारी से भी शिकायत किया, लेकिन किसी ने उस समस्या के लिए मुनासिब नहीं समझा। तो सौरभ जी, जो वहाँ पर स्कूल के अध्यापक गण हैं, जो और लोग हैं, वो इस बारे में क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर वहाँ के अध्यापक सिर्फ अग्नि प्रकाश शर्मा वहाँ के पूरे स्कूल को संभालते हैं और उसने कई बार वहाँ के प्रधान से भी शिकायत की है, उन्होंने अपने छात्रों के अधिकार के लिए पूरी मांग कर रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट वहाँ जाकर ये पूरा मामला देखा है। लोग, बच्चे क्या कह रहे हैं इस बारे में, उनका क्या मानना है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में? जब हमारी बात वहाँ के छात्रों से, तो उनसे उनका कहना, जब हम मध्याह्न भोजन करेंगे तो हमें शौच के लिए जाना होगा, तो हम शौच के लिए कहाँ जाएंगे, इसीलिए हमने मध्याह्न भोजन का बहिष्कार कर दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी हमसे जुड़ने के लिए।